तो बर्ड्स की चाल को देखकर बताते थे कि क्या शुभ समाचार है उसके लिए आने लग गया ऑस्पिशियस इंग्लिश में जो वर्ड्स आए हैं वो ग्रीक लैटिन फ्रेंच स्पैनिश इवन हिंदी से भी वर्ड लिए संस्कृत से भी वर्ड लिए और डेजर्ट जो हम बोलते हैं डेजर्ट जैसे राजस्थान में डेजर्ट है तो डेजर्ट माने रेगिस्तान वो डेजर्ट है ये डिजर्ट है वर्ड। दो बातों को वो इक्वल इम्पॉर्टेंस दे रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है कोई प्रॉब्लम है कोई सिचुएशन है कोई इंजरी है कोई डिजीज़ है उसको बिगाड़ देना उसको वो बैड है उसको वर्स कर देना क्या होता है एग्री कोलोकेशन पे बेस्ड अभी रिसेंट एग्जाम में बहुत अच्छे पैश्चन्स बन रहे हैं और मैं दस साल से कोलोकेशन पढ़ा रही हूँ बच्चे को बोल रही हूँ कि कोलोकेशन पढ़ो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है बोरा आपने सुना होगा बोरी बोरा जो ब्राउन से कलर का जिसमें का सामान बहुत सारे सामान लोडिंग होता है उसको भी सैक बोलते हैं जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं जहाँ ऐसी ही बातें होती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती है इधर उधर की बातें होती हैं तुच्छ बातें होती है आया मजा कितना इंटरेस्टिंग है ऐसे अगर हमें कोई कहानी सुनाए तो हमें पूरी इंग्लिश बहुत ईजी लगती है सिन्हा पूछा है रोब का रोब क्या होता है मेरे बच्चे रोब एक आउटर पीस ऑफ क्लोदिंग होता है जो कपड़े के ऊपर एक लबादा टाइप जो पहना जाता है एक लंबा सा कोट टाइप होता है पूरा एक नीचे तक उसको बोलते हैं रोब और इंटरेस्टिंग बात यहां ये यह है कि ये रोब और आर रो ओ बी रोब मतलब लूटना जिसको इंग्लिश में लूट बोलते हैं ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है देखो इंग्लिश में जो वर्ड्स बने हैं मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ सी अभी जो सी लेटर की क्लास चल रही है वहाँ भी बता रही हूँ और ए और बी की क्लास जो हो चुकी है वहाँ पर भी बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं कि इंग्लिश में जो वर्ड्स आए हैं वो ग्रीक लैटिन फ्रेंच स्पेनिश इवन हिंदी से भी वर्ड लिए हैं संस्कृत से भी वर्ड लिए हिंदी में जो हम लूट बोलते हैं वही इंग्लिश में एल डबल ओ टी लूट बनता है जैसे हिंदी में बैंगल बोलते हैं बंगड़ी बंगड़ी से इंग्लिश का क्या बना बैंगल बना संस्कृत में दंत बोलते सुना ना दंत दांत तो वो क्या बोलते हैं दंत वहीं से इंग्लिश में क्या बना डेंटिस्ट डी ई एन टी ठीक है तो इंग्लिश में बहुत सारे सब लैंग्वेज से वर्ड्स आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है इंग्लिश को पढ़ना यहां देखो आपको मैं स, बताती हूँ कैसे रिलेटेड है अब आप सोचोगे कपड़ा और लूटना कैसे रिलेटेड है देखो पहले क्या होता था जब युद्ध होते थे लड़ाई होती थी तो जो हार जाता था जो हार जाते थे जो लोग तो उनका खजाना तो लूटते ही थे लूटते थे तो वो जो कपड़े पहने होते थे उनको भी लूट कर ले जाते थे गहने तो हैं ही कपड़ों को भी लूटते थे क्योंकि पहले टाइम में कपड़ा बहुत में, कपड़े बहुत महंगे बनते थे और सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कपड़े अच्छे कपड़े तो फटे पुराने कपड़े ही जनरली बाकी लोगों को मिलते थे तो वो जीत जाते तो हारे हुए लोगों को वो रोब करते थे यानी कि उनके रोब को भी वो रोब करके ले जाते थे यानी रोब लबादे को भी लूट कर ले जाते थे ठीक है तो इस तरह से ये रोब और ये वाला रोब एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है आया मज़ा कितना इंटरेस्टिंग है ऐसे अगर हमें कोई कहानी सुनाए तो हमें पूरी इंग्लिश बहुत इजी लगती है और ऐसी ही कहानियां मैं अभी जो रेगुलर अवतार की सीरीज़ चल रही है उसमें करवा रही हूँ और आपके 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने अभी तक देखनी स्टार्ट नहीं किया तो कर देना मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो और उसमें हमने ए लेटर के भी सारे वर्ड्स कर लिए बी लेटर के वर्ड्स कर लिए अब सी के वर्ड्स चल रहे हैं हाँ, तो यहाँ ये यह रोबरी नहीं हो सकता सक्सेस नहीं हो सकता मिसहैप मतलब दुर्घटना हो गया राइट आंसर होगा क्लोक क्या है 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 ये 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 क्लोक 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 क्या होता है? लबादा. इसका, रोब का नेम होता है, लबादा लबादा इसका का रोबरी तो चोरी करना लूटपाट करना हो गया ना लेकिन यहां पर ये यह नाउन है जिसका मतलब है लबादा और इसी का सिनानेम हो जाएगा क्लोक क्लियर द बुक नरेटेड द एथलीट प्रावेश इन अ लूसिड मैनर बुक ने नरेट किया एथलीट की प्रावेश को बहुत ही ल्यूसिड बहुत ही क्लियर बहुत ही स्पष्ट तरीके से लूसिड मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर तरीके से बुक ने एथलीट की प्रावेश प्रावेश मतलब देखो ग्रेट स्किल ऑफ डूइंग समथिंग किसी चीज को करने की कला होना ठीक है एथलीट प्रावेश ये कॉलोकेशन है एथलीट प्रवेश हो सकता है ठीक है एकेडमिक प्रवेश हो सकता है स्पोर्टिंग प्रवेश हो सकता है स्पोर्टिंग प्रवेश हो सकता है तो ग्रेट स्किल ऑफ डूइंग समथिंग प्रवेश हो गया स्किल बोल सकते हैं हम एबिलिटी बोल सकते हैं ठीक है एप्टीट्यूड बोल सकते हैं क्लियर है बच्चे हाँ अब यहाँ देखो रिफाइंड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा एक्सेप्शनल अ फ्लुएंट मतलब वेल्दी ये नहीं होगा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा एक्सेप्शनल मास्टरी एक्सेप्शनल मास्टरी किसी भी चीज़ को करने की बहुत ग्रेट स्किल यानी एथलीट प्रावेज है उसका एथलेटिक्स में क्या है वो बहुत ही अच्छी स्किल है यहाँ देखो ये भी कॉलोकेशन यूज हुआ है कोलोकेशंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स के पॉइंट से भी और क्लोज टेस्ट के पॉइंट से भी आप कोलोकेशन को नदर नज़रअंदाज मत करें कोलोकेशन पर बेस्ड अभी रिसेंट एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं और मैं दस साल से कोलोकेशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को बोल रही हूँ कि कोलोकेशन पढ़ो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी क्लोज टेस्ट की बुक में पूरी लिस्ट भी गिवन है क्लोज कोलोकेशंस की ओ हैनरी शोर्ट स्टोरीज आर रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट नाउ बिकॉज दे आर ठीक है हेनरीज की स्टोरीज को अभी तक पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है क्योंकि वो क्या है पिथी है पिथी का मतलब होता है कंसाइज होना शॉर्ट में होना पर क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना शॉर्ट एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड शॉर्ट एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड ठीक है तो यहां देखो फैसिनेटिंग एंड लेंदी ये तो नहीं होगा इक्यूजिव नहीं अनरियल नहीं होगा एक्सजरेटेड बड़ा चढ़ा के नहीं होगा कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव कंसाइज कंसाइज इसका सिनानेम हो गया लैकोनिक हो जाएगा टर्स हो जाएगा सक्सिंग हो जाएगा ठीक है ये इसके सिनानेम हो जाएंगे मतलब शॉर्ट है बट क्लियरली एक्सप्रेस इन एविटेबल सेंटेंस है इट वॉज इन एविटेबल टीम मैनेजमेंट दैट द टीम मैनेजमेंट वुड सैक हिम सैक का मतलब क्या होता है सैक हिम आफ्टर हिज रूड बिहेवियर सैक का मतलब होता है फायर कर देना निकाल देना ठीक है टू डिसमिस समबडी फ्रॉम समथिंग एक तो ये मीनिंग होता है ठीक है डिसमिस कर देना फायर कर देना राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वॉज sacked फॉर शी was sacked फॉर रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग टू कम ऑन संडेज टू कम या टू वर्क ऑन संडेज तो क्या हुआ कि वो उसने मना कर दिया था कि मैं संडे को काम पे नहीं आऊंगी तो उसको जॉब से निकाल दिया गया राइट right? तो सैक माने क्या हो गया है डिसमिस करना एक और मीनिंग होता है सैक का किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना ठीक है जैसे किसी जगह पे पहले आक्रमण करते थे तो किसी जगह को खत्म डिस्ट्रॉय करते थे और फिर वहां भी चीजों को चुरा कर ले जाते थे उसको भी सैक बोलते हैं जैसे रोम के अंदर हुआ रोम वॉज बाय किसने किया था रोम को सैक बाय गोत्स गोत्स कौन थे गोद्स जर्मन वाले थे जर्मन पीपल इन ठीक है तो गोद्स अभी आगे भी आएगा गोथ कौन होते थे जर्मनिक पीपल को बोलते थे गोथ्स तो ये जो वर्ब में यहां पर वर्ब में और यहां पर वर्ब में क्या मीनिंग हो गया फायर करना या डिस्ट्रॉय करना एक आप हिट द सैक भी मैंने आपको पढ़ाया है सैक जहां सैक नाउन होता है ठीक है नाउन में इसका मतलब होता है एक जो बोरा आपने सुना होगा बोरी बोरा जो ब्राउन से कलर का जिसमें ग्रोसरी का सामान बहुत सारे सामान लोडिंग होता है उसको भी सैक बोलते हैं बोरा ठीक है अब वापस आते हैं इन एविटेबल जगह नहीं बची हमारे पास इन का मतलब होता है नॉट एविट का मतलब होता है अवॉइड यानी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके वो होता है इन एविटेबल ठीक है अब यहां देखो इम पैशनेट नॉट पैशनेट जो पैशनेट नहीं हो मैजरेबल जिसको मेजर किया जा सके एमिएबल एमिएबल क्या होता है चीयरफुल फ्रेंडली ठीक है राइट right आंसर होगा अन इसको अवॉइड नहीं किया जा सके पूछा है द प्लेन क्रैश वॉज हेरोइंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन इन्वोल्ड जो भी इन्वॉल्व थे उन सभी के लिए बहुत ही भयानक शॉकिंग वेरी फ्राइटनेट वेरी शॉकिंग बहुत ही पेनफुल बेकार एक्सपीरियंस रहा हेरोइंग बहुत अच्छा वर्ड है और कोलोकेशन है हेरोइंग एक्सपीरियंस होता है ठीक है बहुत ही एक्सट्रीमली वेरी uh, शॉकिंग बोल सकते हैं फ्राइटनिंग बोल सकते हैं तो बहुत ही अपसेट कर देने वाला एक्सपीरियंस होता है एक्सपीरियंस, हम बोल सकते हैं, टॉर्चरिंग हो सकता है है ना टॉर्मेंटिंग हो सकता है एगोनाइजिंग हो सकता है एगोनाइजिंग क्या होता है बहुत ही पेन देने वाला एगोनाइजिंग क्या होता है बहुत ही पेनफुल राइट अब देखो इसमें बाकी ऑप्शन पे देखते हैं सैड माने दुखी ये नहीं होगा ऑसम awesome मतलब ऑसम शानदार वेरी गुड ये नहीं होगा एक्सटर्मिनेट किसी चीज को हटा देना एक्स माने आउट टर्मिन मतलब बाउंड्री मतलब उसको बाउंड्री से बाहर निकाल देना कंप्लीटली उसको हटा देना बहुत सारे किसी एनिमल को मार देना किसी समुदाय के लोगों को हटा देना वाइप आउट कर देना वाइप आउट कर देना क्या होता है एक्सटर्मिनेट टर्मिनेट मतलब टर्मिन होता है बाउंड्री रूटवर्ड में टर्मिन क्या है बाउंड्री तो so, ये नहीं होगा राइट right आंसर होगा एक्सक्रूशिएटिंग एक्सक्रूशिएटिंग इज एक्सट्रीमली पेनफुल क्लियर अगस्ट ऑफ वेंट केम अब्रपली एंड आर सेंट कासल टोपल्ड एकदम जो हवा का झोंका अचानक से सडनली आया और हमारी सेंट कासल क्या हो गई टोपल्ड हो गई टोपल्ड का मतलब होता है इस तरह से गिरने की कंडीशन में आ जाना ठीक है तो इसके लिए देखो टर्न अप टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंच जाना अराइव तो ये तो नहीं होगा ब्लू ये सेकेंड फॉर्म है ये हो गया ब्लो ब्लो आउट का मतलब होता है अचानक से फूट पड़ना सडन बर्स्ट हो जाना रन uh, आफ्टर किसी चीज के पीछे भागना परसू करना उसको ठीक है राइट right आंसर होगा टम्बल डाउन टम्बल डाउन का मतलब होता है बहुत ही पुराना हो जाए और ऐसी कंडीशन में आ जाए फॉलिंग डाउन की कंडीशन में उसको बोलते हैं टम्बल डाउन सो राइट आंसर हो जाएगा टम्बल डाउन क्रूज क्रूज जनरली लोग समझते हैं कि जो शिप है उसको क्रूज बोलते हैं नहीं जो जर्नी आप शिप से करते हो उसको क्रूज बोलते हैं ठीक है इसको बोलते हैं उस जर्नी को जर्नी किससे बाय शिप इन सी जो जर्नी है इसलिए क्रूज शिप आता है क्रूज लाइनर आता है क्रूज शिप क्रूज लाइनर राइट तो उस यात्रा को क्या बोलेंगे हम क्रूज बोलते हैं तो यहां देखो बाउंस का मतलब जैसे बाउंस उछालना उछाल को क्या बोलते हैं बाउंस और एक फ्रेज बहुत बार यूज होता है बाउंस बैक यानी कि वापस रिकवर करना वापस उस किसी चीज से किसी बीमारी या किसी चीज की वजह से जो पीछे चला गया था वापस आ रहा है तो रिकवर करना बाउंस बैक हो गया राइट डिस्टेंस माने दूरी फॉल माने गिरना राइट आंसर हो जाएगा वॉयस वॉयस जर्नी ठीक है जॉन्ट ये इसके हो जाएंगे पूछा साइट का ठीक है लैब का मतलब क्या होता है गोदी, जैसे माँ की गोदी अभी भी हमें बहुत अच्छी लगती है है ना? ग्लोब ग्लोब तो globe हो गया, पुल माने खींचना राइट आंसर होगा लोकेशन साइट के दो और वर्ड हैं, साइट सी आई टी एस आई जी एच टी ये तीनों होमोफोन है होमोफोन होमोफोन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे होमोफोन का मतलब है ऐसे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो फोन माने साउंड जिनका प्रोनाशिएशन सेम हो इन तीनों का प्रोनान्शिएशन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है स्पेलिंग भी अलग अलग है प्रोनाशिएशन सेम है बट मीनिंग मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है क्या हो जाएंगे होमोफोन साइट ये वाला साइट तो लोकेशन हो गया ये साइट किसके लिए आता है कोर्ट के लिए ठीक है ये साइट जैसे एबल टू सी एबिलिटी टू सी आई साइट दृश्य व्यू क्लियर है बच्चे ये होमोन होमोनिम भी अभी एसएससी ने लेटेस्ट ऐड किए हैं और इस पर मैंने एक बहुत अच्छी क्लास भी तैयार की है यूट्यूब पे भी दी है और उसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है उसके लिए एक पी भी दी है जो न्यू के टेलीग्राम चैनल पे है अगर आपने अभी तक वो पीडीएफ इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर कर लेना बहुत अच्छी टेबल बना के मैंने वो पीडीएफ दिया वी शुडंट ब्लेम हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए और एनवी एनीवन और एनवी भी नहीं करना चाहिए राइट right? एनवी का आपसे सिनोनिम पूछा है ठीक है यहाँ देखो कर्स का मतलब तो क्या होता है श्राप ठीक है लव मतलब प्यार हो ही गया रीप का मतलब क्या होता है हार्वेस्ट आपने सुना होगा यू मस्ट रीव व्हाट यू सो जो बोएगा वही काटेगा वही पाएगा ठीक है तो सो मतलब बोना हो गया रीप मतलब काटना फसल काटना उसका रिजल्ट जो है तो ये भी नहीं होगा राइट आंसर क्या होगा जेलसी क्या होगा जेलसी ईर्षा एनवी और जेलसी एग्रेवेट एग्रेवेट का मतलब क्या होता है एग्रेवेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्ड्स बना देना ठीक है कोई प्रॉब्लम है कोई सिचुएशन है कोई इंजरी है कोई डिजीज है उसको बिगाड़ देना उसको वो बैड है उसको वर्स कर देना क्या होता है एग्रेवेट मतलब उसको मोर सीरियस बना देना एग्रेवेट रूटवर देखो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस ठीक है या मतलब उसकी इंटेंसिटी को उसकी सीरियसनेस को बढ़ा देना क्या होता है एग्रेवेट होता है अनॉय कर देना इरिटेट कर देना परेशान कर देना बिल्कुल बिगाड़ देना क्या होता है एग्रेवेट तसेना तो हो जाएगा एनॉय जैसे पॉल्यूशन पॉल्यूशन क्या कर सकता है अस्थमा को एग्रेवेट पॉल्यूशन कैन एग्रेवेट क्या हो जाएगा अस्थमा क्लियर है ठीक है अब देखो यहां मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना एलिविएट करना एसवेज करना शांत करना सेटिस्फाइड तो सेटिस्फाइड होता ही है एनहांस पॉजिटिव वे में किसी चीज को इंक्रीज करना एनहांस होता है ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड फैशन ओपिनियंस वो एक पर्सन है जो होल्ड करता है जो रखता है क्या पुराने ओपिनियंस ओल्ड फैशन आउटडेटेड आउटडेटेड आर्काइक पुराने आउट मॉडेड या ऑब्सलीट ठीक है यहां देखो एंशियंट मतलब क्या होता है प्राचीन सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन हो गया एंटीक क्या होता है ओल्ड एंड वैल्यूएबल ओल्ड एंड वैल्यूएबल क्या होता है कीमती क्या होता है एंटीक होता है राइट यह आंसर होगा ऑप्शुलिट जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए बोलते हैं क्या ऑप्सोलीट टेक्नोलॉजी कई बार आपको मिलेगा ये क्लोज टेस्ट में ऑप्सोलीट टेक्नोलॉजी जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑप्सोलीट टेक्नोलॉजी क्लियर अबेंडन बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं वर्ड है अबेंडन का मतलब होता है लीव त्याग देना छोड़ देना फोरसेक रिनाउंस फोर गो ठीक है और डिजर्ट देखो डिजर्ट की बात करते हैं तो डिजर्ट नाउन सैंडी एरिया जो रेगिस्तान है नाउन में होता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेजर्ट क्या होता है डेजर्ट रेगिस्तान और जब ये वर्ब बनता है वर्ब तब इसका प्रोनाउंशियेशन होता है डिजर्ट यानी लीव कर देना त्याग देना छोड़ देना और जब इसमें डबल एस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है स्वेट डिश हो जाती है उसका प्रोनाउंशियशन भी डिजर्ट होता है तो डेजर्ट जो हम बोलते हैं डेजर्ट जैसे राजस्थान में डेजर्ट है तो डेजर्ट माने रेगिस्तान वो डेजर्ट है ये डिजर्ट है वर्ब ठीक है रिटेन मतलब क्या होता है रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना कीप है ना प्रोलोंग मतलब एक्सटेंड प्रोलोंग करना एक्सटेंड करना उसको पैरिश पैरिश किसके लिए आता है डाई के लिए डिके डिके पैरिश डिक्लाइन ठीक है बच्चे वैग्रेंसी इससे पहले वाले पेपर में हमने मेंडिकेंट वर्ड पढ़ा था याद होगा आपको बैगर के लिए यूज होता है बैगर वहाँ पर वैगरेंट भी बताया था मैंने सिनेम में तो एक ऐसा पर्सन जो भीख मांगता है इधर से उधर जाता रहता है जिसका कोई घर नहीं होता है जिसका कोई काम नहीं होता है उसके लिए वैगरेंट आता है और उस सिचुएशन स्टेट के लिए वैगरेंसी आ गया यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वैगा बोंड वैगा बॉन्ड नॉमेडिक नॉमेडिय ठीक है आई टी न ये सारे इसके सनने में हो जाएंगे ठीक है फ्रेगनेंस क्या होता है बच्चे फ्रेगनेंस होता है खुशबू किसी भी चीज़ की खुशबू के लिए क्या आता है फ्रेगनेंस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन होता है किसी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना उसको एक्सप्लोर करना देखना कि वहाँ क्या है क्या नहीं है वो एक्सप्लोरेशन हो गया वेगनेस मतलब नॉट क्लियर नेबुलस धुंधला है नॉट क्लियर है वो क्या है वेगनेस ल्यूसिड मतलब बिल्कुल क्लियर ये इसका एंटर हो जाएगा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रियट सिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड सेक्सुअल इज सीवियर एंड इशू दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ विक्टिम्स लाइफ जो प्रभाव इंपैक्ट ऑन अ विक्टिम्स लाइफ ठीक है यहां देखो परवेसिव का मतलब होता है जो बहुत कॉमन है फैला हुआ है ठीक है यूबिक्यूटस है जिसको सभी जानते हैं वो होता है परवे राइट तो यहां पर देखो इक्वेटोरियल हो गया जो भूमध्य रेखा के निकट है इक्वेटर के निकट है लॉन्गिट्यूडनल हो गया जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट से वेस्ट जो अक्रॉस नहीं है ठीक है रिट्रोस्पेक्टिव uh, हो गया किसी चीज को मतलब पीछे झांकना बैक लाइफ में झांकना, रिट्रो मींस बैक स्पेक्ट माने टू लुक तो पीछे देखना क्या हो गया रिट्रोस्पेक्टिव राइट आंसर होगा वाइड स्प्रेड ठीक है द डिसीजन टू एंगेज इन एन इज कॉन्फ्लिक डिसीजन इंगेज करना किसमें इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट में वो क्या था टेसिट था टेसिट में वर्ड टेसिट में वर्ड होता है वर्ड है जो ही रूटवर्ड टेसीटर्न में है टेसिटर्न क्या होता है जो कम बोलता है रेटिसेंट जो होता है जो कम बोलता है रेटिसेंट या टेसीटर्न रूटवर्ड टेसीटर्न का मतलब होता है बी साइलेंट जो चुप रहता है जो चुप रहता है वो क्या हो गया टेसीटर्न या रेटिसेंट कम बोलने वाला ठीक है अब देखो टेस्ट में वर्ड है साइलेंट यानी जिसको बोला नहीं गया है लेकिन वो समरस्टूड है कि ऐसा करना है ठीक है उससे वही सिचुएशन वही मीनिंग वही भाव बन रहा है वो क्या हुआ टेस्ट ठीक है वैसा किया नहीं गया लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ऐसा करना है जिसको बोला नहीं गया है लेकिन समझ लिया गया है वो क्या हो गया है तो यहां देखो इंप्लाइड विदाउट बींग स्टेटेड टेस्ट अप्रूवल हो सकता है ठीक है कई बार अप्रूवल के लिए नहीं कि बोल के करना पड़े वो इम्प्लाइड होता है टेस्टिड अप्रूवल क्लियर सिनानेम के क्वेश्चन है का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल भी प्लान नहीं हो हो ठीक है आर्बिट्रेरी हो आर्बिट्रेरी ध्यान है ना आर्बिटर रूट वर्ड हमने किया था आर्बिटर मतलब जज जो अपने मन को ही अपना जज बना ले और कुछ भी डिसाइड करे ठीक है वो आर्बिट्रेरी हो गया डिजल्ट्री हो गया डिसऑर्गेनाइज हो गया नॉट सिस्टमैटिक हो गया ठीक है हैफ हजार तो यहां देखो अग्रेसिव अग्रेसिव जो थोड़ा वायलेंट है सोशेबल जो फ्रेंडली है जोवियल है कॉन्विवियल है जो सोशल जो दूसरों से इसको मिलना जुलना बात करना अच्छा लगता है वो सोशेबल। ये है कॉन्फिडेंट और एक इसका कंफ्यूज वर्ड बनता है कॉन्फिडेंट एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट तो किसके लिए आता है आत्मविश्वास विश्वास के लिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना ठीक है कॉन्फिडेंट होता है कोई ऐसा पर्सन जिस पर हम फेथ करके उसको अपने प्राइवेट सीक्रेट बातें बताते हैं विश्वास जो हमारे विश्वास के लायक है भरोसेमंद है उसके लिए आता है कॉन्फिडेंट ये ए ए और ई e का डिफरेंस है बस प्रोनाउंसिएशन है इसका कॉन्फिडेंट इसका है कॉन्फिडेंट क्लियर है ये कन्फ्यूज वर्ड्स में कई बार ये ए और ई पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं फिट जो है वो क्या है फेथ यानी जिस पर हम फेथ करके अपनी बात उसके साथ शेयर करते हैं ठीक है अग्रेसिव हो गया राइट right आंसर हो गया रेंडम रेंडम जो सिस्टमैटिक नहीं है एट रेंडम मतलब अनप्लैंड है वो हो जाएगा रेंडम नेक्स्ट डिसोलेट डिसोलेट का सिनोनिम पूछा है डिसोलेट होता है देखो रूट वर्ड से देखें तो डी मतलब कंप्लीटली ठीक है कंप्लीटली और सोल मतलब वो है अलोन जैसे सोलो डांस होता है जब इंसान कंप्लीटली अलोन दुखी निराश निराश सैड फील करता है सैड अनहैप्पी ठीक है मिजरेबल सैड अनहैप्पी मिजरेबल डिप्रेसिव मिलनकॉलिक ठीक है वो क्या होता है डिसोलेट यहां देखो फॉर्चुनेट मतलब फेवरेबल सौभाग्य ठीक है, है? ये नहीं होगा स्टडी यानी स्ट्रांगली बिल्ट स्ट्रांगली बिल्ट ये नहीं होगा होपफुल नहीं होगा आशा होगा राइट right आंसर होगा डिप्रेसिव ठीक है डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी Many rural areas in developing countries still lack access to basic necessities. ठीक है कमी है किसकी बेसिक नेसेसिटी की एक्सेस की ठीक है अब देखो डेजिस्ट डेजिस्ट का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग स्टॉप डूइंग समथिंग जैसे सोल्जर्स है उन्होंने फायरिंग कर की हुई और उनको ऑर्डर दे दिया कि अब इसको डाइजिस्ट कर दो अब फायरिंग मत करो रोक दो लीव ऑफ कर दो ठीक है डेजिस्ट फिर आता है डिस्काइज डिस्काइज मतलब छुपा हुआ कवर किया हुआ छुपा हुआ छुपा हुआ अपैथी इनडिफरेंट नो फीलिंग यानी कि कोई फीलिंग नहीं होना उदासीन अ मतलब क्या हो गया ए माने नॉट या विदाउट एथी मतलब फीलिंग्स जैसे सिंपैथी, सेम फीलिंग्स, अपैथी कोई फीलिंग नहीं होना टेलीपैथी दूर बैठे इंसान के लिए फील करना पैथी किसके लिए आता है के लिए. Right? Right होगा एवेन्यू स्ट्रीट के लिए भी आता है और एवेन्यू किसी प्रोसेस का एक्सेस के लिए आता है एक्सेस माने अप्रोच हो गया ठीक है एंट्री हो गया तो इसका लगभग हो जाएगा एक्सेस नेक्स्ट इम्प्रूवड रेल ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस एसेंशियल का सेना नेम पूछा है यहाँ पर इम्प्रूव रेल ट्रांसफोर क्या है बिजनेस के लिए ज़रूरी है एसेंशियल है यानी एसेंशियल का मिन और क्या क्या हो सकता है नेसेसरी हो सकता है की हो सकता है वाइटल हो सकता है ठीक है क्रिटिकल हो सकता है मैंडेटरी हो सकता है क्रूशियल हो सकता है बिल्कुल ठीक है क्रूशियल क्रूशियल से नियम हो जाएगा रेकमेंडेड मतलब सजेस्टेड ट्रीवियल ट्रिवियल होता है नॉट इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनरी तुच्छ नॉट इंपॉर्टेंट ऑर्डिनरी तुच्छ जो होता है उसको बोलते हैं ट्रीवियल ट्राई माने तीन वाया माने वे जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं जहाँ ऐसी ही बातें होती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती है इधर उधर की बातें होती हैं तुच्छ बातें होती है, बाते है। ट्रीवियल मैटर्स भी होते हैं तो ये नहीं होगा ये तो इसका लगभग अपोजिट हो गया टेक्निकल रिलेटेड टू टेक्निक टेक्नोलॉजी टेक्निकल हो गया ये नहीं होगा जस्टिफिएबल जो जस्टिफिएबल है रीजनेबल है सही है इसको जस्टिफाई किया जा सकता है ठीक है यहां देखो मेंटेनेबल जिसको मेंटेन किया जा सके इनडिफेंसिबल जिसको डिफेंड नहीं किया जा सके इनएक्सक्यूजल न्यूट्रल जो न्यूट्रल है राइट right आंसर हो जाएगा रीजनेबल लॉजिकल रीजनेबल जस्टिफिएबल मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस ठीक है द कॉन्सर्ट वॉज फिल्ड विद कॉन्सर्ट फिल थी भरी हुई थी विद रैप्ड टीनेज लिस्टर्स रैप्ड का मीनिंग क्या होता है रैप्ड का मीनिंग होता है आप किसी चीज़ में पूरी तरह से फुली अब्जॉर्ब हो जाओ कि आपको और कोई चीज़ मतलब उसके अलावा नहीं दिखाई दे आप पूरा अटेंटिवली उसको देख रहे हो ठीक है रैप्ड पूरा अटेंटिव होना तो रियली really फैशनेबल नहीं होगा बोल्डली ड्रेस नहीं होगा एनर्जेटिक नहीं होगा फुली अटेंटिव ठीक है ड्रेडफुल जो बहुत ही टेरिबल है एट्रोशियस है अपॉलिंग है हॉरिड uh, है हॉरिफाइंग है ठीक है टेरिबल हॉरिबल अभी अभी हमने एक वर्ड किया था एट्रोशियस, अपॉलिंग आउटरेजियस हॉरिड ठीक है, फीबल तो होता है वीक बहुत ही कमजोर ऑस्पीशियस होता है शुभ शुभ संकेत जो होते हैं जैसे पहले बर्ड्स की चाल को देखकर फॉर्चुनेबल प्रोपिशियस इसका सिनानेम ही है फेवरेबल एडवांटेजियस पहले बर्ड्स ऑस्पिशियस में आप देखोगे तो ये ए यू ए की ही फॉर्म है ए को ही ए यू लिखा है यहाँ पर और स्पिक का मतलब क्या है टू लुक तो बर्ड्स की चाल को देखकर बताते थे कि क्या शुभ समाचार है उसके लिए आने लग गया ऑस्पिशियस एवियरी ए वी आई हमने पढ़ा है जूलॉजी में ए वी किसके लिए आता है बर्ड्स के लिए एविएशन जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री तो बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं आसमान में तो आसमान में उड़ने वाले जो भी क्राफ्ट एयरक्राफ्ट क्या हो गए एविएशन है क्लियर उस इंडस्ट्री के लिए आ गया एविएशन तो एवी किसके लिए आता है बर्ड्स के लिए तो बर्ड्स को रखने की जगह क्या बन जाती है एवियरी ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है राइट आंसर हो जाएगा टेरिबल नेक्स्ट आता है डायाबोलिकल सिनोनिम पूछा है डायाबॉलिकल का डायाबॉलिकल का मतलब होता है टैरिफिक टैरिफिक Extremely bad, extremely bad. ठीक है extremely बैड क्या होता है Diabolical. जैसे फॉर example द ट्रैफिक ये वर्ड हमने पहले भी किया है द ट्रैफिक was diabolical. ट्रैफिक क्या था बहुत ही टेरिफिक था तो बहुत ही बैड के लिए आता है diabolical. इसको और अगर हम देखें तो हम क्रूअल बोल सकते हैं ठीक है, डेविलिश बोल सकते हैं बोल सकते हैं ठीक है ना तो यहां देखो सेलेस्टियल क्या होता है खगोल हेवनली जो है वो होता है सेलेस्टियल, सोफेस्टिकेटेड सोफेस्टिकेटेड होता है अर्बन, रिफाइंड अर्बन, रिफाइंड एडवांसमेंट के लिए आता है सोफेस्टिकेट ये नहीं होगा सीकोफेंट सीकोफेंट का मतलब होता है चापलूस सीकोफेंट क्या होता है चापलूस इसके लिए हमने इडियम भी पढ़ा हुआ है लिक सम्बडीज बूट्स ठीक है ना लिक सम्बडीज बूट्स क्या होता है किसी के तलवे चाटना लिक सम्बडीज बूट किसी के तलवे चाटना यानी चापलूसी करना बटरिंग करना ठीक है सीको ये साइकोफेंट नहीं है बच्चे क्या है सीकोफेंट राइट right आंसर हो जाएगा मेलिशियस मैल किसके लिए आता है बैड के लिए तो वेरी बैड क्या हो जाएगा मेलिशियस क्लियर कैप्टिवेट कैप्टिवेट मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव एनचांटिंग एल्योर बहुत ही आकर्षित करने वाला चाम एनचान क्या होता है कैप्टिवेट ठीक है स्टडी नहीं हो सकता एनवलप देखो एक होता है इनवलप एन वी एल ओ पी ये है वर्ब और एनवल ये है नाउन एनवल जो लिफाफा होता है जिसमें पैसे डाल कर देते हैं एनवलप इनवल्प होता है वर्ब जिसका मतलब होता है टू रैप समबडी समथिंग अराउंड जैसे शी वॉज इनवलब इन शी वॉज इनवलब इन अटल टाउल में लपेटा गया रैप करना क्या होता है कन्फ्यूज वर्ड्स में यह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अभी एस एस सी इस तरह के कंफ्यूज वर्ड पूछ रही है ठीक है अरेस्ट मतलब अरेस्ट करना हो गया राइट आंसर होगा एल्योर एल्योर मतलब आकर्षित करना कैप्टिवेट करना मेजर मेजर मतलब जो लार्ज है बिग है लार्ज बिग मेन कंसीडरेबल क्या होता है मेजर नॉट माइनर जैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनर मतलब जो माइनर नहीं है बहुत बड़ा है मेजर है मेजर फोल्ड है, मेजर इशू है मेजर ऑपरेशन है बड़ा है ऑपरेशन राइट यहां देखो सबसे पहला वर्ड है डिलीजेंट डिलीजेंट मतलब हार्डवर्किंग Hardworking, लेबोरियस लेबोरियस इंडस्ट्रियस एसिड्यूस ठीक है ये नहीं होगा कंसिडरेबल हो जाएगा सिनोनिम Shallow शैलो जो सुपरफिशियल है छिछला जो है ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल शैलो क्रेविक्सड क्रेविक्स का मतलब होता है दरार जो नैरो क्रैक है जैसे किसी चीज में नैरो क्रैक इन द वॉल वॉल में जो हल्की दरार है क्रैविक्स क्लियर राइट आंसर हो जाएगा कंसीडरेबल पूछा है हाइलाइटेड वर्ड कंजेस्टन का कंजेस्टन क्या होता है रुकावट बाधा ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस ठीक है <coughs> हाँ, सबसे पहले एम्पलिफिकेशन एम्पल का मतलब होता है 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 तो music में जब उसका sound increase किया जाए sound को increase करने के लिए क्या आता ठीक मतलब उसको divide कर देना माने अलग अलग दिशाओं में टर्न कर देना डाइवर्ट करना जैसे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है राइट लेक्सिटी लैक्सिटी होता है क्वालिटी Lex क्या होता है का मतलब होता है lose. तो lose, lose तो sluggish, होता है मैम? का मतलब लूज। तो लूज लूज जो जैसे एक तो हम लूज हो जाता है किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है माइंड में भी वो लूज हो जाता है बॉडी में भी लूज हो जाता है हो गया। ठीक है कॉमन वर्ड जो हमेशा बोलते रहते हैं रिलैक्स रिलैक्स में भी रूट वर्ड क्या है लैक्स है लैक्स मतलब तू? मतलब लूज जब हम पूरी तरह से फ्री है कोई टेंशन नहीं है रिलैक्स तो रूट वर्ड लैक्स है लैक्स मतलब लूज लूज बाद में को किससे जोड़ दिया गया स्लैक्स से आलस से लेजी से क्लियर है राइट आंसर होगा ग्रिड लॉक ग्रिड लॉक भी क्या होता है बोटलैक इम्पास से ठीक है हो जाते हैं इसके रेमिनिसेंस रेमिनिसेंस का रीव रिमाइंड रिमाइंड रिमेंबर जो एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग पास इवेंट्स जो है याद करना क्या होता है रिमिनिशेंस रिमेंबर मेमरी मेमवा राइट ऑब्लिवियन तो क्या हो जाएगा फॉरगेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस फॉरगेट कर जाना बेने वॉलेंस बेने वॉलेंस विश टू डू विश टू डू गुड टू अदर्स। माने माने गुड माने गुड वॉल माने टू विश वॉल माने टू विश। माने गुड वॉल माने टू विश हार्श मतलब तो हार्श होता ही है रफ होता है हार्श तो यहां क्या पूछा है हमसे सिनोनिम पूछा है इज़ क्लियर? वायबल वायबल का पूछा गया है ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में से चूज करना है ऑप्टिमाइज ऑप्टिम बेस्ट के लिए आता है बेस्ट परफेक्ट बनाने के लिए ऑप्टिमाइज करना बेस्ट उसको यूटिलाइज करना एफिशिएंसी हो गया बेस्ट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी नहीं होगा स्केलेबिलिटी होता है तो चेंज करना स्केल एबिलिटी होना स्केल में साइज में चेंज होना स्केलेबिलिटी ये भी नहीं होगा तो राइट आंसर होगा सस्टेनेबिलिटी right ठीक है वायबल uh, के सिनेम क्या क्या हो जाएंगे सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा रीजनेबल हो जाएगा एप्लीकेबल हो जाएगा रीजनेबल एप्लीकेबल वायबल और सस्टेनेबल यहां पर सिनेम पूछा है आपसे फैक्चुअल का फैक्चुअल का सिनानेम आपसे पूछा है यहाँ स्पेस नहीं बचा ठीक है फैक्चुअल का सिनानेम पूछा है जो वर्ड्स गिवन है उनमें से दस फैक्चुअल होता क्या है फैक्चुअल इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स क्या हो जाएगा फैक्चुअल जो फैक्ट पे बेस्ड है थ्योरी पे बेस्ड नहीं है फैक्ट पे बेस्ड है राइट right? अब देखो द साइंटिस्ट साइंटिस्टो हाइपोथेसिस वॉज बेस्ड ऑन इम्पेरिकल एविडेंस एंड रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशन देखो यहां पर रिगोरस यहाँ जो मीनिंग है रिगोरस का वो थोरो है जैसे थोरो डिटेल होती है ना बहुत कंप्लीट थोरो रिगोरस का एक और मीनिंग स्ट्रिक्ट भी होता है ये तो नहीं होगा ठीक है फिर आता है एविडेंस एविडेंस मतलब सबूत है ये भी नहीं होगा फिर होता है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी थ्योरी पे बेस्ड है ये हाइपोथेसिस है ये भी नहीं होगा राइट right आंसर होगा इम्पेरिकल इम्पेरिकल इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है थ्योरी सिर्फ थ्योरटिकल नहीं है फैक्ट पे बेस्ड है उसका लगभग क्या हो गया है सिनेम एम्पेरिकल क्लियर अनइक्विवोकल यहां पर रूटवर देखो इक्वी का मतलब होता है इक्वल वॉक का मतलब है टू कोल मतलब दो बातों को वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है तो इक्वी वोकल क्या हो जाएगा एम्बिग्यूस इक्वी वोकल को क्या बोलेंगे हम एम्बिग्युअस और अन क्या है नॉट है तो नॉट एम्बिग्यूस अन इक्वी वोकल क्या हो जाएगा नॉट एम्बिग्यूस यानी अनएम्बिग्य आंसर कंप्लीट तो कंप्लीट होता ही है डाउटेड डाउटेड होता है आर्टिकुलेट अभी सीरियल मेंस में भी आया आर्टिकुलेट क्या होता है अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाना से क्लियरली अपनी बात को शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना लूसिड तरीके से क्या होता है आर्टिकुलेट ठीक है शी स्ट्रगल टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स वो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाने में थोड़ी थोड़ा स्ट्रगल करती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है क्लियरली नहीं बता पाती है ठीक है तो आर्टिकुलेट क्या हो गया अपनी बात को क्लियरली समझा पाना बता पाना एक्सप्रेस कर पाना क्या होता है आर्टिकुलेट क्लियर है रीेबिलिटेट रीहेबलीटे होता है री मतलब अगेन वापस पुनर उसी अवस्था में आना रीहेबिलिटेट जैसे सेंटर्स होते हैं जो नशा मुक्ति सेंटर होते हैं कि कोई इंसान नशा करने लग जाता है उसके बाद में उसको नशा को छुड़ाकर उसको वापस उसी अवस्था में लेकर आते हैं रीहेबिलिटेट वापस उसी अवस्था में आना रीहेबिलिटेट हो गया यहाँ देखो डिक्लाइन डिक्लाइन का एक मीनिंग होता है रिजेक्ट किसी चीज को रिजेक्ट करना और डिक्लाइन का दूसरा मीनिंग होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होना ग्रेजुअली डिक्रीज डिक्लाइन डेवलप का मतलब तो आगे बढ़ना विकास हो जाएगा एब्जॉल एब्जॉल्व का मतलब होता है एग्जॉनरेट दोष मुक्त कर देना बरी कर देना दोष मुक्त कर देना एब्जॉल एग्जॉनरेट ये भी नहीं होगा राइट right आंसर क्या होगा री इंस्टॉल वापस इंस्टॉल करना री इंस्टॉल डिस्कलोज का सिनानेम आपसे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियनेम ऑफ द वर्ड डिस्क्लोस्ड। डिस मतलब नॉट क्लोज माने क्लोज यानी जो क्लोज नहीं है जो क्या है ओपन है जो क्या है पूरी तरह से अनकवर है जो क्या है अनवेल है वेल माने कवर होना ठीक है अनकवर है अनवेल है पब्लिश है ठीक है पब्लिक है मेक पब्लिक है जो छुपा हुआ नहीं है ओपन है ठीक है डाइवर्ज बोल सकते हैं क्लियर और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटनिम हो जाएगा रिवील जो आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखा हो रिवील कर देना मतलब डिस्क्लोज कर देना ओपन कर देना उजागर कर देना सबको बता देना ठीक है राइट right आंसर हो जाएगा रिवील Linguist क्या होता है लिंगवा मींस टंग ठीक है लिंगो मींस क्या होता है टंग यानी जो पर्सन बहुत सारी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज जानता है उसको क्या बोलते हैं लिंग्विस्ट क्लियर पैटर्न्स तो पैटर्न्स हो गया अननोन मतलब नॉट नोन शी हैज नो डिजायर फॉर मनी उसके मनी के लिए कोई डिजायर नहीं है कोई इच्छा नहीं है ठीक है डिजायर होना मतलब किसी चीज को चाहना वॉन्ट करना ठीक है लॉन्गिंग Yearn. हमने लास्ट पेपर में किया था कीन कीन डिजायर था ना वहां पर तो तो और और होता है Dislike करना Hate करना तो लगभग केयर मतलब केयर होता है राइट आंसर होगा विश ठीक है Vulnerable का पूछा आपसे वलनरेबुल क्या होता है जो वीक होता है वीक एंड इजिली हर्ट जिसको इजिली हर्ट कर सकते हैं इमोशनली या फिजिकली ठीक है उसको क्या बोलते हैं वल्नरेबल ओपन टू अटैक जो अटैक के लिए ओपन है क्या है ओपन टू अटैक जो अटैक के लिए ओपन है जो जल्दी ही जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो क्या है वल्नरेबल ठीक है एमिएबल क्या होता है एमिएबल एमिकेबल एमिएबल एमिकेबल क्या होते हैं फ्रेंडली फ्रेंडली convivial, हैप्पी फ्रेंडली रिलेशन चेयरफुल के लिए आता है amiable. डिलेक्टेबल क्या होता है डिलीशियस स्वादिष्ट डिलीशियस ठीक है गार्डेड क्या होता है गार्डेड होता है केयरफुल कोशस गार्डेड क्या होता है केयरफुल या कोशस राइट right? इसका सिनेम हो जाएगा ससेप्टिबल क्या हो जाएगा ससेप्टिबल एग्जाम्पल uh, देखो जैसे ओल्ड पीपल आर ओल्ड पीपल आर वलनरेबल टू द फ्लू क्योंकि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है फ्लू हो जाता है तो वो क्या है ईज़िली वो हर्ट हो जाते हैं ओपन उन पर उन पर जल्दी <coughs> असर होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो क्या हो जाएगा वनरेबल टू द फ्लू शी हेज़ बिकम अ फैमिलियर फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की दुनिया में वो एक फैमिलियर फिगर बन गया यानी उसको अब सभी जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसको वो जिस जो उसको नहीं जानता हो राइट right? सबसे पहले देखो फैंसी फैंसी का मतलब होता है टू वांट समथिंग किसी चीज़ को चाहना कि ये चाहिए वॉन्ट समथिंग होता है फैंसी ये नहीं होगा लेजेंड एक तो मिथ हो गया कोई भी एंशेंट की स्टोरी जो सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती दूसरा कोई फेमस फिगर फेमस पर्सन के लिए भी लेजेंड आता है तो वो भी नहीं है एलिवेटेड मतलब हाई रैंक का होना हाई रैंक मतलब नॉर्मल से ऊपर एलिवेट राइट ये भी नहीं होगा राइट आंसर होगा नोन मतलब जिसको सही जानते हैं जो फैमिलियर है कॉमन है नॉन है दैट इज फैमिलियर बैने वन बैने डू, वन हुस विश गुड टू अदर्स विश गुड टू अदर्स, जो दूसरों के लिए अच्छी विश करता है वो क्या हो जाएगा बैने वोलेंट रूटवर्ड देखो बेने मीन्स क्या होता है बी में हम पढ़ भी चुके हैं गुड बैने मीन्स क्या होता है गुड वॉल का मतलब क्या है टू विश जो दूसरों के लिए अच्छी विश करता है मंगल कामना ब्लैसिंग जो देता है जो काइंड होता है जो जेनरस होता है काइंड जेनरस ह्यूमेन फिलंथ्रोपिक ठीक है ह्यूमेन एल्ट्रिस्टिक uh, क्या हो जाएगा कंपैशनेट उसको क्या बोलते हैं बैने राइट तो क्रूअल तो इसका एंटेनिम हो गया मर्सीलेस ये तो हो जाएगा एंटेनिम विकेट में लगभग एंटे विकेट क्या होता है इविल होता है दुष्ट होता है इनोसेंट होता है मासूम नॉट गिल्टी जो अपराधी नहीं है दोषी नहीं है वो हो गया इनोसेंट राइट राइट आंसर हो जाएगा जेनरस काइंड नेक्स्ट आता है फेथफुल फेथफुल का सिनोनिम बताना है तो सबसे पहले तो ये अनफेथफुल इसका एंटोनिम हो गया अब देखो एग्जामिनर किस तरह से आपके माइंड के साथ खेलता है कैसे सिली मिस्टेक करने के लिए आपके जगह छोड़ता है क्योंकि यहाँ देखो ऊपर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सिनोनिम में एंटोनिम और एंटोनिम में सिनोनिम कर देता है फेथफुल का यहाँ पर सिनानेम पूछा है और अनफेथफुल दिया तो जल्दीबाजी में एंटेनेम पे टिक कर देता है अगर वो ढंग से डायरेक्शन को नहीं पढ़ता है तो ध्यान रखेंगे ये चीज मैंने पहले भी गोल और जेल में भी बताई है जी ए ओ एल तो ये जेल है ये गोल है लेकिन जल्दीबाजी में इसको गोल पढ़ लेते हैं ठीक है क्वाइट में भी ये चीज थी ये क्वाइट चुप वाला है और ये एडवर्ब जो क्वाइट है ठीक है तो इन इस तरह से वर्ड्स में भी बहुत कंफ्यूजन होता है ये मैंने पहले भी दो तीन बार एग्जाम्पल दिए आपको क्लियर फेथफुल जो बहुत लॉयल है डेयरिंग जो साहसी है ठीक है जो साहसी है वो डेयरिंग है चेयरफुल है वो एमिएबल एमिकेबल फ्रेंडली चेयरफुल क्या हो जाएगा एमिएबल एमिकेबल एमिएबल एमिकेबल फ्रेंडली चेयरफुल ठीक है राइट right आंसर हो जाएगा लॉयल क्लियर सेना पूछा है सुरबी इमिटेट हिज बोस परफेक्टली सुरबी अपने बोस को परफेक्टली इमिटेट करती है यहां पर जो सेंटेंस दिया है ना इससे हमें बेनिफिट मिलता है कि हम सेंटेंस के मीनिंग से भी उस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं सुरभि अपने बॉस को परफेक्टली करती है परफेक्टली हेट करती है हेट मतलब नफरत करना वर्शिप करती है पूजा करती है ठीक है एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना इमिटेट्स का सिनेम क्या होगा कॉपी किसी की इमिट किसी को इमिटेट करना मतलब कॉपी करना जनरली अपने बॉस को अपने फैमिली मेंबर्स में अपने बड़े जो मेंबर्स होते हैं अपने सीनियर्स को उनके जूनियर्स क्या करते हैं कॉपी करते हैं इमिटेट करते हैं इमिटेट मतलब क्या हो गया कॉपी करना डुप्लीकेट डुप्लीकेट प्रिटेंट टू बी मतलब जैसा वो है मिमिक करना वैसी वैसा ही बनने की वैसा ही कुछ करने की वैसी एक्शंस की कॉपी करना सिनानेम पूछा है फी का फी मतलब होता है बहुत ही फेरोशियस ब्रूटल ठीक है खूंखार जो है उसको बोलते हैं फियर्स, राइट तो यहां पर देखो लैम मतलब जो पैर से चल नहीं पाए कोई इंजरी की वजह से डिफिकल्टी इन वॉकिंग पैर में लैग में जो लिख जाती है वो लैम हो गया स्ट्रेंज माने अजीब ठीक है लैविश बहुत ही खर्चीला हो गया लैविश जो अभी हमने एक्स्ट्रा वेगेंस में देखा था राइट आंसर होगा फ्यूरियस ठीक है फ्यूरियस इज रिलेटेड टू फ्यूरी स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो नेचुरली हो जाता है जो प्लान नहीं है नॉट प्लैंड ठीक है नॉट डन नेचुरली जो नेचुरल है इंस्टिंक्टिव है जो बहुत ही ठीक है अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित हो गया एग्जॉस्टिव मतलब थॉरली हो गया पूरी तरह से कंप्लीटली थॉरली यानी क्यूरियस जिज्ञासु क्या होता है क्यूरियस जिज्ञासु राइट आंसर हो जाएगा इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्टिव इंपल्सिव ठीक है ये येम हो जाएंगे एंटनिम हो जाएगा प्लान डेलीबरेट डेलीब्रेट मतलब जानबूझ के कोई चीज करना प्लानिंग से कोई चीज करना ये एंटनिम्स हो जाएंगे एंटीक एंटीक मतलब जो बहुत पुराना है ओल्ड है ओल्ड है वेल्यूबल है वो क्या होता है एंटीक होता है ठीक है गोथिक अभी भी मैंने आपको बताया था कनेक्टेड विद द किससे रिलेटेड है गोथिक कनेक्टेड विद द जर्मनिक पीपल जर्मन के लोगों से जुड़ा हुआ जर्मेनिक पीपल ठीक है न्यू मॉडर्न ये इसके एंटनिम हो जाएंगे जो नया है जो मॉडर्न है ये इसके एंटेनिम हो गए सिनानेम होगा एंसियट सिम क्या होगा एनशियट पुराना पूछा है इवोल्व ठीक है इवोल्व का मतलब होता है डेवलप होना प्रोग्रेस होना ग्रो करना इमर्ज होना ठीक है इमेनेट, इसका सिनानेम हो जाएगा ठीक है डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना एनिहिलेट हो जाना खत्म हो जाना क्रश हो जाना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना कंसील मतलब हाइड छुपा हुआ कंसील्ड क्या होता है हाइड सेंसर सेंसर होता है वो एक पर्सन जो फिल्म मूवीज बुक में कोई भी ऐसा इमोरल ऑफेंसिव कोई पार्ट है तो उसको हटाता है सेंसर बोर्ड है ना तो ये होगा नहीं राइट right आंसर हो जाएगा इमेने एक्स्ट्रा वेगेंस एक्स्ट्रा वेगेंस होता है जो खुद पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो वो चीजें खरीदे पैसा खर्च करे वो होता है एक्स्ट्रा वेगेंस ठीक है एक्स्ट्रा वेगेंस हो जाएगा लग्जरी से रिलेटेड ज्यादा खर्च करना ज्यादा मतलब इंडल्स रहना खुद में और चीजों में कि पैसा और लग्जरी में रहना स्कवाणरिंग हम बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखो सिंप्लिसिटी नहीं हो सकता सिंपलिसिटी सिंपल फॉर्चून भाग्य हो गया भाग्य लव मतलब प्यार हो गया राइट आंसर होगा सेल्फ की बात करें तो थ्रिफ्टीनेस है इसमें हम देखें फ्रगिलिटी है और इकोनॉमिकल है वो सारे इसके एंटेनिम्स हो जाएंगे ठीक है ना बच्चे नेक्स्ट बीहोल्ड बी होल्ड मतलब लुक रिगार्ड लुक के लिए आता है बिहोल्ड तो इसका सिनोनिम हो गया फोर्टुनेट फोर्टुनेट होता है लकी सौभाग्य लकी ठीक है प्रेडिक्ट मतलब पहले से किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना फोरकास्ट करना प्री मतलब पहले डिक्ट माने टू स्पीक बर्डन मतलब बर्डन प्रेशर हो ही गया है. राम वाज अबैंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स एट वेरी एट अ वेरी अर्ली एज वेरी अर्ली एज में राम के, को छोड़ दिया गया त्याग दिया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा ठीक है अबेंडेंड का मतलब क्या होता है त्याग देना छोड़ देना लीव forsake, renounce, डिजर्ट ठीक है वर्ब में ठीक है त्याग देना छोड़ देना क्या होता है अबेंडन तो यहां देखो लव्ड नहीं हो सकता हेट नहीं हो सकता डिसग्रेस डिसग्रेस करना नहीं राइट आंसर होगा लेफ्ट क्या होगा लेफ्ट लीव से क्या बन जाएगा लेफ्ट पूछा है यहां पर एमिएबल एमिएबल में रूटवर्ड एम क्या है लव तो ठीक है लवेबल फ्रेंडली चीयरफुल एमिकेबल ठीक है एमिकेबल फ्रेंडली जोवियल ठीक है चेयरफुल uh, प्लेजेंट जो लवेबल ये सब क्या हो जाएंगे एमएबल के सिनेम्स तो यहाँ पर देखो सिंपल मतलब सिंपल है अकेडमिक रिलेटेड टू अकेडमिक्स हो गया स्ट्रिक्ट मतलब जो स्ट्रिक्ट है नॉट लीलियंट राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडली ही यूजेज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्ग्रेडियंट्स इन हीज कुकिंग कुकिंग में जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें जो हम सामान जो डालते हैं सामग्री जो होती है उसको बोलते हैं इन्ग्रेडियंट्स क्लियर कलिनरी क्या होता है कलिनरी स्किल होती है कुकिंग जो स्किल्स के लिए आता है प्रिपरेशन मतलब बनाना मिक्सचर माने मिक्स करना राइट right आंसर होगा कंपोनेंट जिससे मिलकर बनता है जो जिस सामग्री से मिलकर जो डिश बन रही है दैट इज इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्युएंट भी बोल सकते हैं